छह लोग सस्पेंड हुए हैं, चार और एक पांच सस्पेंड हुए हैं। अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नौकरी की परेशानी आएगी। हमारी बहन को न्याय मिले उसकी एफआईआर हुई, इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, बहन को न्याय दिलाएंगे और दोषियों को सजा। न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पूरी घटना दलित दमन की है, कितनी यातना, कितना प्रशासनिक हठधर्मिता और कितनी तानाशाही मोहन सरकार की, बीजेपी की सरकार की दलितों के खिलाफ है, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। जब हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, उसको आज प्रमाणित किया मोहन भैया की सरकार ने, उनके प्रशासन ने, उनके मंत्रालय ने। अल्टीमेटली झुकना पड़ा या न्याय देना पड़ा। मैं सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी हमारे मीडिया के कर्मियों को खूब साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसे इश्यू को पब्लिक डोमेन में लाया, मेरे तक पहुंचाया, और हमने कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दायित्व निभाया और इस इश्यू को दलितों के खिलाफ जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं उसके लिए एक उदाहरण के रूप में लिया। जैसा मैंने कहा, छह लोग सस्पेंड हुए हैं, चार और एक पांच सस्पेंड हुए हैं। अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नौकरी की परेशानी आएगी। मैं सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि आप बीजेपी के नौकर बनना बंद करो, आप प्रशासन का दायित्व निभाओ। सर्विस रूल के बुक के जो निर्देश आपको मिलते हैं या उसकी शपथ लेते हो उसको निभाओ, अन्यथा जो गड़बड़ करेगा बीजेपी के नेता उसके घर रहेगा, आपके खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे। जिसने बीजेपी की नौकरी करी उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे रहेगा। मैं फिर से एक बार, जो तंत्र होता है उस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो। पर अगर वो नौकर बनेगा तो उसका हम तिरस्कार करेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये उदाहरण उसका एक जीता जागता है। हमारी बहन को न्याय मिले उसकी एफआईआर हुई, इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। अभी कोई भी कमी दिखेगी तो हम विवेक तनखा जी से मेरी बात हुई है इसी दौरान, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी लड़ना पड़े तो बहन को न्याय दिलाएंगे और दोषियों को सजा।